लकड़हारा और जल देवता। एक दिन एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गांव के करीबी जंगल में गया। लकड़ी काटते हुए अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और नदी में गिर गई। लकड़हारे ने बहुत देर तक कुल्हाड़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। उसकी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में कहीं खो गई। बेचारा लकड़हारा, वो कुल्हाड़ी उसका एकमात्र सहारा थी और वो भी उसके हाथों से निकल गई। लकड़हारा रोने लगा। उसका रोना सुनकर जल देवता को उस पर बहुत दया आई। जल देवता उसके सामने प्रकट हुई और उसे कुल्हाड़ी वापस देने का दिलासा दिया। जल देवता ने नदी में डुबकी मारी। कुछ देर बाद जल देवता जब वापस आ गई, तब उसके हाथों में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं, ये मेरी नहीं है, रोते रोते लकड़हारे ने जवाब दिया। जल देवता फिर से नदी में गई और उस वक्त जब वो वापस आई, तब उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। शायद ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो सामान्य लोहे की थी। जल देवता फिर से पानी में गई, लेकिन इस वक्त जब वो वापस लौटी, तो उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी। तो क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। लकड़हारे की सच्चाई देखकर जल देवता उसके ऊपर प्रसन्न हुई। उसने उसे चांदी और सोने की दोनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। सच्चाई और ईमानदारी का फल मीठा होता है।